हो। तो जल्दी से एक कोट देख लेते हैं, बहुत काम आएगा आपके लिए ये कोट, और मुझे लगता है हर किसी को इसको बार बार पढ़ना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इट सेज, रीसेट, रीएडजस्ट, रीस्टार्ट, रीफोकस एज मेनी टाइम्स एज यू नीड टू डू। मतलब आपको लाइफ में हो या पढ़ाई में हो, तैयारी में हो, रिलेशंस में हो, जनरली आपके स्टडी रूटीन में हो, टाइम टेबल में हो, बार बार यू कैन रीसेट इट, यू कैन रीएडजस्ट इट। आप उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो और आप फिर से रीफोकस कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, है ना। एज मेनी टाइम्स यू नीड टू डू, बिकॉज जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट, दिस इज द मे बी द यू नो द स्टडी स्केड्यूल आई वॉन्ट, द टाइम टेबल आई वॉन्ट, द फोकस आई वॉन्ट, माई पर्पस इन लाइफ, जब तक वो अंदर से फील ना आए, जब तक वो कॉन्फिडेंस ना आए, बार बार रीसेट करते रहो। रिफ्रेश हम वैसे भी करते हैं ना, कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करते हो, नहीं? सो ये आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट दिस इज द मास्टर पीस यू आर बिल्डिंग, है ना। आप ये मास्टर पीस बना रहे हो क्योंकि ये आपका खुद खुद का है, किसी और का नहीं है। सो डू इट। पढ़ाई के लिए भी अभी तक अगर नहीं हो पाई है, वापस से सिलेबस करो, वापस से टाइम टेबल बनाओ, फिर से कल से तैयारी शुरू करो। ये ठीक है, दिस टाइम आई हैव टू क्वालिफाई एंड मे बी दिस टाइम आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट JRF, मे बी दिस टाइम इट वॉज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू यू नो मिस्टेक्स, आई विल डू दैट।